टेंथ क्लास के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जहां पर 12वीं क्लास के नतीजे भी पिछले दिनों ही जारी किए गए थे और उसमें भी लड़कियों ने परचम लहराया था। और इस बार जयपुर की तरु जैन ने 10वीं परिणाम में टॉप किया है, 500 में से 499 अंक हासिल करते हुए परचम लहराया है, पहले स्थान पर कब्जा किया है और टॉप रही है। सेंट एंजेला सोफिया स्कूल में पढ़ती है तरु जैन। तो एक और बड़ी खबर यहां पर मिल रही है झुंझुनू से, जहां पर मतदाताओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। जहां कुछ समय पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी भरतपुर में बंदरों का आतंक था, वहीं झुंझुनू में मतदाताओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। मधुमक्खियां यहां पर वोटिंग के आड़े आ रही है। बूथ नंबर 138 पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है, बूथ से जान बचाकर मतदाता भागते हुए देखे गए। बता दें कि आधे घंटे तक ये पूरा जो मतदान केंद्र है वो सूना पड़ा रहा। जाहिर है जिस तरीके से हमला यहां पर मधुमक्खियों से किया गया उससे हड़कंप मच गया तमाम मतदाताओं में, और तस्वीरें किस तरीके से सुनसान पड़ा था और लोग जो हैं जो मतदाता हैं वो आपको भागते हुए नजर आएंगे इन तस्वीरों में। दो आज की कहीं ना कहीं ये घटनाएं, जहां एक तरफ भरतपुर में बंदरों का आतंक देखने को मिला, मतदाताओं को इसमें दहशत नजर आई, तो वहीं अब झुंझुनू में मतदाताओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बूथ नंबर 138 पर अफरा तफरी मच गई इस हमले से। विद्यालय में बूथ नंबर 133 34 जो भी है उन पर बूथ पोलिंग बहुत कम हो रही है। कारण यह कि बड़ी मक्खियां यहाँ छिड़ गई है, जिससे न तो कोई डॉक्टर पूछा है न कोई टीम पूछी है, बहुत से लोगों को मक्खियां खा गई, इस वजह से न तो पोलिंग हो रही है और पोलिंग रुकी हुई है। तो चुनाव आयोग की ओर से समय भरपूर कोशिश की जाती है, इंतजाम किए जाते हैं और कोई भी ऐसी चूक उनकी ओर से ना हो, ये तमाम प्रयास रहते हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें जो कि मतदान केंद्रों पर हो जाती है, उससे वोटिंग परसेंट पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें भी हम पूजा यहाँ पर दर्शकों को यहाँ पर दिखा दें, जिन दो घटनाओं का हमने जिक्र किया। एक तरफ भरतपुर में किस तरीके से बंदरों का आतंक जो है जिसकी वजह से मतदाताओं में हड़कंप मचा, और तस्वीरें कि कैसे उन्हें परेशान जो है मतदाताओं को परेशान इन बंदरों की तरफ से किया गया और वोटिंग जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। तो दूसरी तस्वीर जो है वो भी झुंझुनू की, जहां मक्खियों के आतंक की वजह से लोगों को मतदाताओं को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। जाहिर है अनएक्सपेक्टेड है इस तरीके की जो घटनाएं आती हैं, हालांकि कोशिश पूरी तरीके से की जाती है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जो मतदान है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़े। और चलिए हमारे साथ दो सहयोगी अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, और बीकानेर से रौनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रौनक आपका रुख करना चाहेंगे, अगर बीकानेर की बात की जाए, बीकानेरी भुजिया तो पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन फिलहाल इस भुजिया में किस तरह का तड़का देखने को मिल रहा है, किस तरह की वोटिंग अब तक हुई है और इस बार क्या कुछ लगता है देश में भुजिया की चर्चा फिर से होगी? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, सुबह से मतदान जारी है और बीकानेर नमकीन भुजिया और मदमस्त लोगों का शहर है, और यहाँ पर सुबह से ही क्योंकि आज स्थापना दिवस है, लोग स्थापना दिवस के साथ साथ मतदान दिवस भी मना रहे हैं। एक खूबसूरत नजारा बीकानेर शहर का आपको दिखा दूं, ये पारंपरिक चंदा पतंगे हैं जिसके जरिए मतदान की अपील की जा रही है। लोग यहाँ पर राजस्थानी पगड़ी पहने एक अलग ही वेशभूषा में आपको यहाँ नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं छोटे बच्चे से लेके बड़े हर कोई ये संदेश दे रहा है कि आज दोनों त्योहार क्यों ना एक साथ मनाए जाए, चाहे मतदान दिवस हो चाहे स्थापना दिवस हो। तो ये खूबसूरत नजारा है, सूर्यवंशी राजा इन पतंगों को यहाँ पर उड़ाया करते थे सूरज की तरफ, और राजस्थान में जब बीकानेर स्टेट की स्थापना हुई तब स्थापना दिवस है, आज मतदान। आप लोग अपनी इस परंपरा के साथ मतदान को भी महत्व दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बीकानेर का 532वां जन्मदिवस है, बीकानेर स्थापना दिवस मना रहे हैं, और बीकानेर स्थापना दिवस साथ साथ हम लोकतंत्र दिवस मना रहे हैं, और लोकतंत्र दिवस 6 मई को मनाया जा रहे हैं। तो हमने जो बीकानेर के जो ये जानी पहचानी राजा महाराजों के समय सूर्य प्रतीक जो चंदा है, इस चंदे को हम अपने संदेश के, हमें पहले तो राजा महाराजा थे चंदे के माध्यम से संदेश भेजते थे, आज हम अपने 6 मई को चुनाव के नजर लोकतंत्र देखते हुए हम ये 6 मई खास है बीकानेर को याद है, और ये साथ में हम चंदे के लिए दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो इसी बीकानेर स्थापना दिवस और लोकतंत्र दिवस दोनों एक साथ मना रहे हैं। अच्छा, कुछ ही देर अब चूंकि वोटिंग करने में रह गए हैं, लगभग 2.5 घंटे और है, क्या संदेश दे रहे हैं आप? लगातार दे रहे हैं, लेकिन अब क्या संदेश, क्योंकि अब महज 2.5 घंटे रह गए? 2.5 घंटे जनता से अपील करके के ला रहे हैं, और सब भी मतदान हो रहा है, मतदान अच्छा हो रहा है, लगभग अभी करीबन 65% के करीबन जा रहा है हमारी ये बूथ है जो चल रहे हैं उसमें, और बीकानेर में भी अच्छा मतदान हुआ है अभी आज की डेट में।
तो देखिए कहीं ना कहीं परंपरा के साथ मतदान का त्योहार और कहीं ना कहीं ये खूबसूरत नजारा अपने आप में बेहद राजस्थान की उस कह सकते हैं कि खूबसूरती को दर्शाता है, जिसके लिए पूरी दुनिया में राजस्थान एक विशेष स्थान रखता है। जी रौनक, अगर बीकानेर की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि वहां पर मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है तो दो भाई भी आमने सामने हैं। इस मुकाबले के बीच में आखिर जनता के बीच में किस तरीके का माहौल है? क्या वो जो संबंध है दोनों उम्मीदवारों के बीच में वो कहीं आड़े आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर जो लगातार राष्ट्रवाद की बात, क्योंकि बीकानेर को अगर देखा जाए तो सीमावर्ती इलाका है, राष्ट्रवाद की बात जो है लगातार बीजेपी की तरफ से की गई, स्थानीय मुद्दों को लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से उठाने की कोशिश की गई और बीकानेर जो है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में है पिछले अगर हम कुछ वक्त की बात कर रहे हैं लोकसभा सीट के लिहाज से, तो इन स्थितियों में मतदाता अपने आप को कहां खड़ा पाता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार दो मोसेरे भाई आमने सामने। राजनीति की अगर मैं बात करूं तो इस बार एक ही नारा पूरे बीकानेर में सुनाई दे रहा है कि जीते हारे कोई लेकिन सांसद बनेगा भाई। बिल्कुल इसी नारे के साथ यहां पर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है, लेकिन एक तरफ राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ न्याय की बात है। आम जनता, उनसे मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर क्या कहेंगे, एक तरफ राष्ट्रवाद दूसरी तरफ न्याय, किस तरफ जा रहा है इस बार का मतदाता? आज का जो शिक्षित और जागरूक वर्ग है वह राष्ट्रवाद की ओर ही मुखर है और हम चंदे के माध्यम से लोकतंत्र को भी मजबूत करने का संदेश दे रहे हैं और हम ये संदेश दे रहे हैं कि भी आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध हम राष्ट्रवाद को अधिकाधिक मजबूत करें भी। तो दो भाई हैं, रिश्ते कहीं बीच में नहीं आ रहे? नहीं, जातिवाद और रिश्तेवाद को हम पीछे हट करके राष्ट्रवाद को ही आगे बढ़ेंगे भी। आप बताइए किस तरह से, क्या इस बार लग रहा है दो भाई आमने सामने? देखिए सर, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि जातिवाद हमें मान्य रखता। हम ये चाहते हैं कि देश में राष्ट्रवाद पैदा हो, राष्ट्रवाद की भावना हो। इसी के साथ मैं आज 6 मई बीकानेर स्थापना दिवस है, चूंकि ये मां करणी के आशीर्वाद राम पिता जी ने इस बीकानेर को बसाया है, यहाँ सब भाईचारे की तरह से रहते हैं। यहाँ पर बीकानेर अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ज्यादा मतदान करें, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी है, पिछली बार इस सीट से जीत कर भी आए थे और इस बार उनके सामने उनके मोसेरे भाई हैं, तो राजनीति समीकरण के हिसाब से भी वोट बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये भाई भाई के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है लोकसभा चुनाव के बीच, ये देखने वाली बात होगी कि इस भाई भाई के बीच में जनता किस ओर जाती है, अपने आप को जिस तरह से योगी सुमित ने भी कहा अपने आप को कहां खड़ा हुआ महसूस करती है। लगातार हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, शील ढाबाई जी बीजेपी से एक बार फिर से आपका तारुफ करवा दे, महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से और प्रकाश भंडारी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। शील ढाबाई जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, संपर्क अभी कट गया था, जिस तरह से बीजेपी की अगर इस बार के समीकरणों की बात कर ली जाए, हर एक जोड़ तोड़ बिठाया गया था, हर एक कोशिश की गई थी कि किसी भी सीट पर कोई भी कमजोर कैंडिडेट को नहीं उतार दिया जाए और यही वजह रही कि आखिर में भी एक सीट बची जिस पर मंथन किया गया और उसके बाद एक सीट का ही नाम रोक के रखा, लेकिन अनाउंस पूरे विचार विमर्श के बाद किया गया था, पूरे एनालिसिस के बाद किया गया था, उसके बावजूद कहा यही जा रहा है कि 2014 सिर्फ मोदी के नाम पर वोट पड़ता हुआ नजर आया था, लेकिन इस बार जनता का मूड अलग है, स्थानीय प्रत्याशी कौन है, काम क्या कुछ हुए हैं, इस बात को भी जनता जहन में रखेगी। देखिए, ये 2014 का चुनाव में एक मोदी लहर थी, लेकिन इस बार जो लहर है वो सुनामी बन गई है। आज जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, ये अपने आप में लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। इसमें भी सबसे बड़ा जो योगदान है वो युवाओं का है। 18 वर्ष के जो युवाओं ने जिस तरह से मतदान किया है, वो जो जिस तरह का सपनों का भारत देखना चाहते हैं, वो जिस तरह से हिंदुस्तान में प्रगति देखना चाहते हैं और जिस तरह से वो चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार बने, एक मजबूर सरकार नहीं बने, तो ये सारी बातों को जनता सोच समझ के वो ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो राष्ट्रवाद में हो, जो राष्ट्रवाद जो सबसे बड़ा आज जो मुद्दा है, जो एक ऐसा प्रधानमंत्री देश की जनता चुनना चाहती है, जो कि एक कहना चाहिए कि जिसमें दुश्मन के घर में घुसकर मार करने की क्षमता हो, जिसने विश्व में एक छवि बनाई हो और जिसने 2014 में जो वायदे किए हैं उनको पूरा करने की क्षमता रखता जो विरोधी हैं वो यही तो सवाल उठा रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं। आप बात करते हुए स्थानीय मुद्दे का जिक्र नहीं करते हैं, आप बात करने लगते हैं राष्ट्रीयता की, आप जो है बात करने लगते हैं कि आखिर जो है विदेशों में जाकर क्या कुछ हो रहा है, हमारी सेना आखिर क्या कुछ कर रही है। सवाल यह है कि स्थानीय तौर पर जो मुद्दे हैं
बार बार ये कहते हैं कि ये गली और नुक्कड़ का चुनाव नहीं है, लेकिन वोट उसी को देना है, वही मतदाता जो गली और नुक्कड़ का है, वोट तो वही देगा ना। महेश शर्मा साहब, हम ये समझना चाह रहे हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि सुनामी बन चुकी है 2014 के बाद की स्थिति, लेकिन हमने तो उपचुनाव भी देखा, हमने अभी विधानसभा चुनाव भी देखा, और बीकानेर के, क्योंकि बीकानेर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभी जुड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि आखिर क्या कुछ स्थिति है। और अगर हम बीकानेर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां की वोटिंग का एनालिसिस कीजिए ना सर, 2014 की क्या कुछ स्थिति थी और वो समीकरण आकर किस तरीके से विधानसभा चुनाव में बदल गए। नहीं देखिए, अभी जो मैं महेश शर्मा जी से इसका जवाब चाह रहा हूँ कि वाकई क्या ये जो 2014 अच्छा, की लहर बताई जा रही थी सुनामी बदल रही है, क्योंकि हमें तो जो वोटिंग के परसेंटेज है, ये जो आंकड़े हैं, वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि वोटिंग में जो प्रतिशत है उसमें इजाफा हो रहा है 2014 की तुलना में। ये सुनामी है, दो चीजें हैं, अभी तक का जो भी पैटर्न होता है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जो होता है जी, वो उसको इंडिकेट भी कर सकता है ये। और वही ये एक ये भी है कि हो सकता है कि ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, ध्यान में रखते हुए कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उसको ध्यान में, और मौजूदा सरकार और मौजूदा जो स्टेट में सरकार है उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार का चुनाव जहां आतंकवाद और राष्ट्रवाद को लेकर के जो चला है उसकी तुलना में यहाँ पे जो है वो न्याय का जो ये मुद्दा जो लेकर के जो चले हैं, 72,000 मिनिमम जो वेजेज वाली जो है मामला, उसको लेकर के तो काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। और साथ साथ ही ये जब भी कभी जो चुनाव होता है तो ये मान के चले हैं कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर परसेंटेज बढ़ती है तो इसका मतलब है कहीं बदलाव की अपेक्षा होती है, और अगर वो स्टेग्नेंट रहती है या कांस्टेंट रहती है तो ये माना जाता है कि ये व्यवस्था वो की वही कायम। प्रदीप साहब, जो पहले इससे पहले के तीन चुनाव में नहीं हुआ बीकानेर में, अगर मैं जिक्र कर रहा हूं, तो कांग्रेस कैसे उम्मीद कर रही है कि इस बार तमाम चीजें बदल जाएंगी? ये जो मौजूदा स्थिति है प्रदीप साहब, जो पिछले तीन चुनाव में नहीं हो रहा है, इस बार ऐसे क्या होने जा रहा है कि वो बदल जाएगा? इस बार तो जो उम्मीदवार हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके तो समर्थन में मोदी आकर बताकर जाते हैं कि आखिर क्या कुछ उन्होंने संसद में खड़े होकर किया, और सबसे बेहतरीन अगर किसी ने परफॉर्म किया है संसद के अंदर अपनी अटेंडेंस को लेकर, सवालों को उठाकर, जो है प्राइवेट बिल को लाकर, अर्जुन राम मेघवाल उन तमाम बेहतरीन सांसदों में से एक है। ये मोदी को कहना पड़ रहा है, स्वयं जो वहां के कैंडिडेट हैं, जो अर्जुन मेघवाल जी हैं, वो उनकी अपनी कोई हैसियत पैदा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में अगर आप देखें तो मोदी के बिना वहां कुछ नहीं है, वहां दो स्लोगन है, मैं हूं ना, और या मोदी है तो मुमकिन है, इसके अलावा मोदी भाजपा का कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसलिए मोदी को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर उम्मीदवार को जाके कहना पड़ रहा है कि ये अच्छे हैं, मेरे विश्वस्त हैं, आप वोट मुझे दीजिए। उन्होंने कैंडिडेट को वोट नहीं मांगे हैं, वो खुद को वोट मांग रहे हैं। सवाल यह है कि देश में 543,000 जो लड़ रहे हैं वो चुनाव, वहां खुद को वोट मांग रहे हैं, इसका मतलब वो अपने जो कैंडिडेट हैं, जो उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि दूसरी बात, वो राष्ट्रवाद की बात को लेकर विदेशों में गए, उन्होंने बातें की, वो 2014 में की थी, तो लेकिन अब राष्ट्रवाद सिर्फ जो ये अगर परिभाषा उन्होंने इंगित की है, ये तो दोनों पार्टियों के लिए समझना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, तो दोनों स्थितियों के लिए है ना सर, आप लोग जो है नहीं, दोनों पार्टी का नहीं, राहुल गांधी का चेहरा, दोनों पार्टी, मेरी बात सुनिए, मैं इस बात को, मैं राहुल गांधी का चेहरा करता हूं, दोनों पार्टी का नहीं है, मेरी बात समझिए, बिल्कुल बोलिए। राष्ट्रवाद का असली मुद्दा सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, और सुरक्षा की बात करें तो राष्ट्रवाद समझ में आता है मुझे। आप बताइए कि राज्यों का इस राष्ट्रवाद को लेकर उनका क्या अस्तित्व है? किसी प्रदेश सरकार का अस्तित्व सुरक्षा से कंसर्न नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार के मसले पर अगर आप इसी तुलना राज्य सरकारों से करते हैं तो ये राज्य सरकारों का क्षेत्र नहीं है जहां सुरक्षा की बात करें, ये परिवेश केंद्रीय सरकार का है। इसलिए केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारों को
ये बात करती है राष्ट्रवाद की बात करती है तो सर, वोटर वोटर ये उम्मीद कर रहा है, वोटर लगातार यही उम्मीद करता है कि जो सांसद है जिसे वो चुनने जा रहे हैं वो कम से कम जनता के जो मुद्दे हैं वो तो उठाए। कई ऐसे इलाके, कई ऐसे जहां सड़कों की उम्मीद की जाती है, अभी तक सड़कें नहीं बनी है, डिवाइडर तक नहीं बना है, कई ऐसे लोग जो कि मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, ऐसे लगातार लोगों ने ये रुझान दिए। जब हमारे सहयोगी पहुंचे थे अलग अलग इलाकों में तो ये तरह के इस तरह के मुद्दे तो छूटते ही जा रहे हैं ना। सांसद जिसे चुनकर लाएगी जनता वो ये काम भी तो करवाएंगे। चलिए प्रकाश भंडारी साहब का जिक्र बात कर लेते हैं उनसे, उनसे मेरा अगला सवाल है क्योंकि वोटिंग परसेंट की बात हो रही है। प्रकाश भंडारी साहब, माना यह जाता है कि वोटिंग परसेंट अगर बढ़ता है, जिस तरह से प्रथम फेज में भी बंपर वोटिंग हुई और इस बार भी लगातार उस बंपर वोटिंग की ओर यह परसेंटेज अग्रसर है, माना यही जाता है कि वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन बीजेपी का यह मानना है कि अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो यह उनके लिए अच्छे संकेत है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए एक बात आपकी, चुनाव भारत के अंदर स्वतंत्रता मिलने के बाद 1952 से लेकर के 2019 हमने चुनाव देखे, पहले चुनाव 1952 में, अब देख रहे हैं 2019 के चुनाव। ये जो वोट का जो परसेंटेज बढ़ता है, सवाल के साथ एक बार फिर से प्रकाश जी आपका रुख करेंगे, बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। भाजपा का जिला कलेक्टर जयपुर पर आरोप यहां पर लगा है, चुनाव आयोग को शिकायत की गई है जानबूझकर धीमी गति से मतदान कराने के आरोप लगे जिला कलेक्टर पर। पत्र में प्रताप नगर, तिलक नगर, रामनगर, सुडौला, आदर्श नगर, किशनपुर में बूथों से लगातार शिकायतें मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम यहां पर दे रहे हैं जहां पर भाजपा के जिला कलेक्टर जयपुर पर आरोप यहां पर लग रहे हैं, चुनाव आयोग को शिकायत इस पूरे मामले को लेकर की गई है, जानबूझकर धीमी गति से मतदान कराने का आरोप यहां पर लग रहा है। बता दें कि इस बाबत शिकायत दर्ज कराई गई है। पत्र में बताया गया है कि प्रतापनगर, तिलकनगर, रामनगर, सोडाला, आदर्श नगर, किशनपुर में बूथों से ये शिकायतें आ रही हैं कि वहां पर जानबूझकर जो मतदान है वो धीमी गति से करवाया जा रहा है, जिसका खामियाजा जो है वो स्थानीय उम्मीदवार को यहां पर भुगतना पड़ सकता है। तो लगातार पलपल की अपडेट अपने दर्शकों को हम यहां पर पहुंचा रहे हैं, तमाम जो अपडेट यहां पर सामने आ रही है और साथ ही साथ लगातार जी मीडिया आपसे अपील भी कर रहा है कि अगर आपके इलाके में है चुनाव तो घर से बाहर निकलिए, वोटिंग प्रतिशत में अपना जो हिस्सा है, जो भागीदारी है, जो आहुति है वो दीजिए, जिससे लोकतंत्र जो है मजबूत हो। लगातार ये हमारी पलपल की अपडेट, बड़ी कवरेज जारी है। छोटा सा ब्रेक हम आप ले लेना, फौरन लौटते।